Good morning, class. How are you all? Class, yesterday I have sent some of the questions of addition of algebraic expression. Today I am going to explain you that how to do subtraction of algebraic expression. As I have earlier explained that we do addition and subtraction of like terms. So here also when we have to do the subtraction, we will consider only the like terms. देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 में इट इज़ सेइंग दैट सब्ट्रैक्ट 3a स्क्वायर b फ्रॉम माइनस 5a स्क्वायर b, यानी कि 3a स्क्वायर b को माइनस 5a स्क्वायर b से माइनस करना है. ठीक है, तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को वी विल राइट फर्स्ट. हम लोग फ्रॉम के बाद लिखी गई वैल्यू को पहले लिखेंगे. वी विल राइट माइनस 5a स्क्वायर b. अब क्योंकि माइनस करना है इसलिए पुट माइनस साइन. किस नंबर को माइनस करना है? 3a स्क्वायर b को. तो अब माइनस माइनस दोनों साइन माइनस के हैं, तो क्या करना होगा? माइनस माइनस प्लस एंड साइन शुड बी माइनस. अब माइनस 5 माइनस 3 हो गया, माइनस का 8a स्क्वायर b. आपको पता है ना एडिशन के दौरान माइनस को अगर माइनस में ऐड किया जाए या प्लस को प्लस में ऐड किया जाए तो एक जैसे दो निशान, चाहे वो ऐड हो या प्लस के हों या माइनस के, हमेशा ऐड ही होते हैं. ठीक है, हमेशा ऐड ही होते हैं. और सिंबल अगर नेगेटिव है तो दोनों के साथ माइनस का आएगा, और अगर पॉजिटिव है तो दोनों के साथ पॉजिटिव आएगा. और एक प्लस अगर माइनस से में ऐड होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू का, बिगर वैल्यू का सिंबल जो है वो बड़ी वाली वैल्यू का आता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों माइनस की थी, माइनस माइनस हमने ऐड कर दिया, 5 और 3 को ऐड किया और सिंबल लगा दिया माइनस का, माइनस 8 स्क्वायर बी, 8a स्क्वायर बी इज़ योर आंसर. कम टू क्वेश्चन नंबर 10. अब इसमें भी है कि माइनस 8pq को 6pq में से माइनस करना है, तो वी विल राइट अहेड 6pq और इसमें से माइनस क्या करना है? माइनस 8. एक साथ दो निशान डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसलिए हमने ब्रैकेट डाला. तो 6pq, अब जब इनटू है माइनस माइनस, देखो ये तो एडिशन के लॉ थे, अब इनटू के लिए देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए. दो साइन अगर माइनस के नेगेटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव ही लिखाता है, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है. अगर दो प्लस के निशान मल्टीप्लाई हो तब भी पॉजिटिव ही लिखाता है. एक माइनस और एक प्लस इनटू हो तब आपको माइनस लिखना है. यहाँ भी बड़े छोटे का कोई भी डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो अब देखो ये दोनों माइनस थे, माइनस माइनस प्लस हो गया 8pq. अब प्लस प्लस प्लस, 8 और 6 14 हो गया, 14pq इज़ योर आंसर. 11, 12 मैंने सॉल्व कर दिया है. ठीक है, सेम उसी प्रोसेस से किया है. कम टू 13 एंड 14. 13, 14 में हम कॉलम मेथड यूज़ करेंगे. इससे पहले 12 सम तक हमने रो मेथड यूज़ किया, नाउ वी विल फॉलो कॉलम मेथड. कॉलम मेथड में फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को ऊपर लिख देना है पहले, जैसे कि पहले भी बताया कि पहले लिखा जाता है. तो 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6, इसमें से क्या माइनस करना है? 2a. अब क्योंकि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि 3a के नीचे क्या लिखाएगा, 2a. अब b के नीचे माइनस का 5b, c के नीचे प्लस का 2c और कांस्टेंट वैल्यू के नीचे कांस्टेंट वैल्यू. अब क्योंकि इसको ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो एक स्टेप जो एडिशन से डिफरेंट है वो ये है कि ऐसे तो अगर हम ब्रैकेट रखते रो मेथड से करते तो बाहर में माइनस की साइन होने की वजह से ब्रैकेट के अंदर के सारे वैल्यूज़ की सिंबल चेंज हो जाती, बट क्योंकि हम कॉलम मेथड से कर रहे हैं तो वो सिंबल हमको यहाँ चेंज कर देना है. ये माइनस था, अब ये प्लस हो गया, यानी कि अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो इस साइन को नहीं देखना है, हमें ये दोनों साइन को देखना है. अब ये प्लस है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस. ये माइनस है, इसका उल्टा प्लस. यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो ये साइन इस तरह से नीचे डालने का मतलब है कि अब ये सारे साइन जो थे ये साइलेंट हैं और ये एक्टिव हैं. तो जो एक्टिव सिंबल है उसको ही यूज़ करेंगे. प्लस 6 प्लस 9 प्लस का 15 हो गया. ठीक है, अब माइनस सी माइनस 2c, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3c, और सिंबल आएगा साथ में माइनस का ही. अब प्लस का 5 माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस होगा और निशान बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू ऑफ 5 है और 5 का सिंबल प्लस. 5 में से 4 माइनस किया, 1 आया. अब 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. अब 3 माइनस 2, 3 में से 2 माइनस किया, 1 आया, क्योंकि सिंबल बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव ही रह गया. ए प्लस बी माइनस 3c, लेट मी सी द आंसर. ए प्लस बी माइनस 3c प्लस 15, दिस इज़ योर आंसर. ओके, ऐसे नेक्स्ट सम है, इसको भी हम कॉलम मेथड से ही कर रहे हैं. फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को हमने ऊपर लिख लिया, 6 माइनस 2q
माइनस फाइव आर माइनस एट। अब देखो पी के नीचे क्योंकि पी ही की वैल्यू लिखाएगी तो माइनस का सिक्स पी लिख दिया, क्यू के नीचे क्यू की वैल्यू, आर के नीचे थ्री आर और कांस्टेंट वैल्यू के नीचे कांस्टेंट। अब हड़बड़ा के एक प्लस एक माइनस से काट नहीं देना है क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है और सबके निशान चेंज होंगे, सबके सिंबल चेंज हो गए क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो माइनस एट माइनस एट, माइनस का सिक्सटीन, माइनस का फाइव माइनस का थ्री, माइनस का एट आर, माइनस का टू माइनस का वन, माइनस का थ्री क्यू और प्लस 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 सिक्स और वन सेवन पी। ओके नाउ लेट मी चेक द आंसर, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, सेवन पी माइनस थ्री क्यू माइनस एट आर माइनस सिक्सटीन। ओके दिस इज योर आंसर। देखो 15, 16 भी सेम उसी प्रोसेस से थे, मैंने कर दिए हैं और 17 भी मैंने सॉल्व कर दिया, तीनों सेम उसी प्रोसेस से था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, बताइए कि क्या माइनस करें इसमें से कि आंसर ये आए। ठीक है, हम आपसे पूछते हैं एक एग्जाम्पल। देखो इस एग्जाम्पल को आपको लिखना नहीं है, ये हम सिर्फ आपको हिंट के लिए दे रहे हैं कि अगर हम आपसे ये पूछें कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नाइन, अब नाइन में से कुछ माइनस होगा तो उससे छोटा ही वैल्यू आएगा टू गेट फोर। अगर हम आपसे ये पूछे कि बताइए कि नाइन में से क्या माइनस करें कि आंसर फोर आए, तो आप बताइए हमको नाइन में से क्या माइनस करेंगे तो आंसर फोर आएगा। फाइव माइनस करेंगे तो फोर आएगा ना, तो वो फाइव कैसे पता चलता है, दिस वैल्यू माइनस दिस, यानी कि अगर हम नाइन माइनस फोर कर दें तो वी विल गेट फाइव, यानी कि अगर हम इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द सेम वैल्यू। अगर आपको रो मेथड से करना होता तब तो आप लेट द नंबर बी सब्ट्रैक्टेड एक्स लिख के इसमें से आपने एक्स माइनस किया और आप आंसर निकाल लोगे, और अगर कॉलम मेथड से करोगे तो डायरेक्ट इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देना। लेट मी सी आई एम हैविंग द पेपर, हाँ है, हम दोनों मेथड से करते हैं। ओके अब रो मेथड है, जैसे लेट व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, यानी कि इसमें से क्या माइनस करें, लेट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी एक्स, हम लिखेंगे मान लीजिए इसमें से सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर x है, कैपिटल x है। ठीक, अब हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1 में से हम x माइनस करें तो व्हाट शुड आई गेट, 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1। अब हमको क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है इसलिए ये माइनस का x चला जाएगा इधर और ये सारी वैल्यू ऑपोजिट साइन के साथ आ जाएगी इधर। ठीक है, क्योंकि x निकालना है या नहीं तो फिर माइनस x यहाँ छोड़ो, क्योंकि ये माइनस x है इसलिए हमको इक्वल के उधर ले जाना है, तो माइनस का x इधर से उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो गया प्लस x और ये सारी वैल्यू उठ के इधर से इधर आएगी और सब के निशान बदल जाएंगे क्योंकि इक्वल से दूसरी तरफ जाने पर निशान चेंज हो जाते हैं। तो अब क्या हो गया हमारे पास, 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1। अब माइनस क्या होने वाला है, ये सारी वैल्यू हमने माइनस का साइन डाला और ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि जब हम माइनस के साइन के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबका निशान खुद ब खुद चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल है जो कि सबके निशान बदल देगा। अब देखिए 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1, अब सबके निशान चेंज होने वाले क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 7ab प्लस 4b स्क्वायर और माइनस 1, जो प्लस था माइनस हो गया, जो माइनस था और ये सब इक्वल आने वाला है x के। लेट मी हैव वन मोर पेज, वन ब्लैंक पेज। ओके नाउ अब यहां देखिए, यहां आगे सॉल्यूशन है 3a स्क्वायर माइनस 6ab, वैसे हमने सोचा नहीं था कि दोनों मेथड से करेंगे इसलिए हमने स्पेस नहीं छोड़ी थी, बट अब हम बता देते हैं कि हम लोग कर रहे हैं। अच्छा नहीं, a स्क्वायर के साथ पहले a स्क्वायर की वैल्यू, 3a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 6ab, हम एक जैसी टर्म लाइक टर्म एक साथ कर रहे हैं, प्लस 7ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू x। अब देखो 3 माइनस 4 यानी कि माइनस का a
माइनस सिक्स प्लस सेवन, प्लस माइनस माइनस ए बी, प्लस माइनस माइनस ओनली बी स्क्वायर और माइनस का टू इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स. यानी कि अगर हम ये सब्ट्रैक्ट करें तो आई विल गेट द सेम आंसर. लेट मी चेक द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18. दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस टू. यस आर आंसर इज करेक्ट. अब हम आपको दूसरा मेथड भी बता दें. रो मेथड के तो हो गया, अब कॉलम मेथड से अगर हमको करना होता तो क्या करते, हम डायरेक्टली इस नंबर से इसको माइनस कर देते. इसलिए हम प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान है. थ्री ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना कि नाइन में से क्या माइनस करें तो फोर आए, तो नाइन में से फोर माइनस करके देख लोगे कि फाइव आंसर आ रहा है. तो उसी प्रोसेस से हमने इसको थ्री ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए बी माइनस थ्री बी स्क्वायर माइनस वन. अब इसमें से माइनस क्या करना है, फोर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के नीचे लिख दिया, ए बी को ए बी के नीचे लिख दिया, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर के नीचे. ठीक है, अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे. माइनस का टू, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का ए बी और माइनस का ए स्क्वायर. जस्ट चेक आंसर आर सेम. तो विश इज योर्स कि आपको किससे करना है इसको. मैं हम फाइव डैश नंबर दे रहे हैं. अब मुझसे पूछना मत कि मुझे इसको भी लिखना है कि नहीं लिखना है. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 19. दो सम बचे 19 और 20. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 19. टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल है, इसकी दो एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट मतलब एक ये साइड एक ये साइड. उसमें से एक साइड है 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और दूसरी साइड है x स्क्वायर प्लस 2xy. इसका पैरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी. दिस इज एल एंड दिस इज बी. चलिए 2 इंटू एल कितना है, 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है, देखो लाइक टर्म कौन सी है, 5x स्क्वायर और एक x स्क्वायर, बस इतना ही. 2 5x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2xy. क्योंकि पैरीमीटर निकालना है इसलिए 2 से इंटू करना होगा. ये 2 अंदर लिखी सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा. 2 6 जा 12x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy. सो ये क्या आ गया, हैंस पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 12x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस 4xy. लेट मी चेक द आंसर. क्वेश्चन नंबर 19, 12x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस 4xy. दिस इज योर आंसर. ओके नाउ द लास्ट सम. लास्ट सम में एक ट्रायंगल है, देयर इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल का पैरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड. कह रहा है कि एक ट्रायंगल का पैरीमीटर है, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस क्यू. क्यू है या 9 है, लेट मी चेक इट अगेन. 9 है, 9 नॉट क्यू, ये 9 है. क्यू नहीं है, 9 है, नंबर 9. अब इसमें से वन ऑफ इट्स, टू ऑफ इट्स साइड्स आर, एक साइड है पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, दूसरी साइड है 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3. यू हैव टू कैलकुलेट थर्ड वन. ठीक है, ये पता लगानी है. तो पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो था वो यहाँ लिख दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ऐसे पैरीमीटर का ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9. अब इधर हम तीनों साइड लिख देंगे क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड मांग रहा है. पहली साइड यहाँ दी है पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, दूसरी साइड है 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3 और थर्ड मिसिंग है जिसको कि हमने x माना है. सब जुड़ के किसके इक्वल आएंगी, 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9. अब इनको पहले ऐड कर लेते हैं, पी स्क्वायर और 3p स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 5p माइनस 7p और 3 और 1 4 प्लस x इज इक्वल टू 6p स्क्वायर. यहाँ पर पहले लिख भी लो, लेट थर्ड साइड इक्वल एक्स माइनस 4p प्लस क्यू. अब क्योंकि आपको थर्ड साइड पता लगानी है, इस x को यहीं रहने दो और ये सारी वैल्यू यहाँ से उठ के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की, यानी कि निशान चेंज हो जाएंगे. 4p प्लस क्यू
माइनस फोर पी स्क्वायर, अब ये माइनस है तो इधर आके उलट जाएगा साइन, सेवन पी ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई सिक्स पी स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर, माइनस फोर पी प्लस सेवन पी प्लस थ्री पी, सॉरी हम बार बार इसको ना क्यों लिख दे रहे हैं, नाइन है, नाइन माइनस फोर इज प्लस फाइव, यानी कि ये क्या आ गई थर्ड साइड, थर्ड साइड इज टू पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस फाइव, टू पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस फाइव, दैट्स ऑल। यहाँ पर एक्सरसाइज फिनिश होती है। नो दिस इज़ योर वर्क टू कम्प्लीट होल एक्सरसाइज। बच्चे आप लोगों ने हमको बहुत डिसअपॉइंट किया है इन दिनों, सो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है तुम लोग को पढ़ाने के लिए, बट आई एम हेल्पलेस, मेरे ऊपर कोई मेरा जोर नहीं है, क्योंकि हम किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं और उस इंस्टीट्यूशन को ओबे करनी मेरी ड्यूटी है, ठीक है। बट अगर हम स्कूल में होते तो हम आपकी क्लास लेने बिल्कुल भी नहीं आते, आई प्रॉमिस दैट कि हम बिल्कुल नहीं आते, बट अभी हम हेल्पलेस हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके देन, हैव अ नाइस डे। ये इस फाइव के बाद फाइव डैश वाला पेज आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। ओके क्लास।